बाइनेंस प्लेटफॉर्म पे अभी बाइनेंस पे अभी कर रहे थे या 1-2 महीने पहले? तो कर रहा था बाइनेंस सर, चार काम कर रहा है अभी? पांच काम कर रहे हैं। बीच में खबर आई थी कि बैन हो गया। नहीं सर, बैन नहीं हुआ एक्चुअली, क्या है बस प्ले स्टोर से हट गया था। गवर्नमेंट प्ले स्टोर जिनके पास ऐप है उस पे काम चल रहा है। अच्छा, हाँ ठीक है। तो अभी मतलब आपने उस पे USDT सेल किया, बदले में पैसे आए, एंड जिसने भेजा उसने कंप्लेन की है या फिर सर, जो एक्चुअली क्या पैसा हुआ, आया है वो फ्रॉड मनी था? मैं बताऊं सर, एक्चुअली पैसा फ्रॉड मनी का नहीं है। एक्चुअली इन्होंने सिस्टम बना दिया है, केरला में बंदे बैठे हैं फेक, जैसे फेक कैफे को वो फेक ग्रुप वगैरह बैठ के ये ठीक काम है। करता है सर एक ऑफिस में। तो हाँ चार मैंने कॉलिंग भी की थी उन्हें। एक्चुअली क्या किया, उन्होंने फंड डाला और मेरी USDT परचेज की 2-3 मोबाइल से ठीक और है। हाँ फेडरल बैंक सेम बैंक अकाउंट से, फेडरल हाँ बैंक की दा सर। एक्चुअली उसके बाद उन्होंने डायरेक्ट बाय करके साइबर क्राइम में एविडेंस सबमिट कर दिए। अच्छा, ये मामला हुआ है साइबर तो क्राइम में। वो मामला होते ही सर मैं एविडेंस, प्रॉपर एविडेंस भी नहीं उनके पास, मेरे पास प्रॉपर एविडेंस है। मैंने व्हाट्सएप पे भी बात की उनसे, मजे ले रहे थे, कह रहे यू कैन फाइंड मी इफ यू कैन। तो अच्छा, एक तरह से मतलब कहने का मतलब है कि बिकॉज ये फ्रॉड भी चल रहा है जहाँ पे कि वो आपसे USDT खरीदेंगे और खुद ही सामने से फिर उसकी कंप्लेंट डाल जी देंगे, जिससे वो पैसा उनको फ्यूचर में रिफंड हो जाए, या फिर आप ही को कहेंगे कि भैया हमें इतने पैसे वापस कर दो तो हम कंप्लेन अपना विड्रॉ लेंगे। जी सर, जी सर। एक्चुअली मेरी ऑफिसर से भी बात हुई है केरला के, तो उन्होंने क्या कहा? वो कह रहे सर आप हरियाणा में रिपोर्ट कराएं। नहीं, देखो हरियाणा में तो जहाँ भी आप हो आपको कंप्लेन तो एक वही करनी पड़ेगी कि भैया इस तरीके से मेरे से USDT खरीद फ्रॉड हो लिया गया जाता है और सामने से उसकी कंप्लेन भी कर दी जाती है, और इस तरीके से ये बहुत लोगों के साथ कर रहे हैं कि उनके USDT खरीदना और फॉल्स कंप्लेन करना, पुलिस का टाइम वेस्ट करना, अननेसेसरली फिर सामने वाले को ब्लैकमेल करना कि हमारे पैसे भी लौटाओ और फिर तभी हम कंप्लेन वापस लेंगे, और तो इनके खिलाफ एक्शन लिया जाए। ये इनका बैंक अकाउंट है जिससे इन्होंने पैसे सर। भेजे हैं, जिस टारगेट, वैसे ये कंप्लेन कर सकते हैं कि ऑन डिमांड बिल्कुल पैसे कर रहे हैं, क्योंकि बिल्कुल। उन्होंने देखो हम पे कुछ, फेक क्लेम डाला है कि फेसबुक, इंस्टा और व्हाट्सएप के थ्रू हमसे लूट लिया गया है। हाँ तो वही बात है ना। तो हाँ नहीं, लेकिन देखो दो चीजें होती हैं। कई बार क्या होता है कि जो आपने बताया वो भी होता है, कई बार क्या होता है कि जो ये फ्रॉड लोग होते हैं ना, तो ये जैसे आपने बताया ग्रुप बैठा है, बिल्कुल ये ग्रुप ना, केरला से ही जा रहे हैं ये सर ग्रुप ना सबके पास। लोग से पैसे लूटते हैं जॉब देने के नाम पे, टेलीग्राम के नाम पे, और फिर वही लूटा हुआ पैसा घुमा फिरा के आपको भेजते हैं, जिसकी वजह से भी खाते फ्रीज होते हैं। तो सर एक्चुअली हमारी क्या गलती, मैंने तो आधार कार्ड पैन कार्ड गलती कुछ दिया नहीं होती है, बस गलती इतनी होती है कि फ्रॉड का पैसा घुमा फिरा के भी आपके खाते में आया। ऐसे बहुत से दुकानदार हैं, शॉपकीपर्स हैं, जो क्रिप्टो है, गेमिंग ऐप है, बेटिंग ऐप है, जहाँ पे कि एक सिंपल सी बात समझो ना, एक दुकानदार है, उसके दुकान में कोई बंदा पेमेंट करता है तो और उसका कुछ भी दिनों के अकाउंट बाद फ्रीज उसका हुआ खाता होगा, किसी फ्रीज हो जाता है। ने अब उसको फॉर एग्जाम्पल एसी भी खरीद लिया। हाँ, जी तो बस वो अब फ्रॉड पैसा जिस जिस खाते में जाएगा सारे खाते फ्रीज होते जाते हैं। अब इससे मतलब नहीं है कि उसने सवाल दिया, वो चाहे 20 रुपए का ट्रांजेक्शन हो, 100 का हो, 1,000 का हो, ये 1 लाख नहीं का हो, बोलते, दस मेरा लाख फ्रेंड कह रहा था मेरे अकाउंट में किसी ने 1000 डाल दिए थे, उस पे ही फंसा रहा मैं 2 महीने एक जी महीने जी इसी तरीके से ये एक है जिसकी वजह से लोग परेशान होते हैं। अब इसमें एक ही प्रोसेस है कि एक तो जो भी आपका इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है उसके कोऑर्डिनेट से खुलेगा, दूसरा है कि कोर्ट के ऑर्डर से खुलेगा, तीसरा है कि कोऑर्डिनेशन के साथ साथ जिसने कंप्लेन की है उसका जो भी पैसा है वो रिफंड एनओसी किया लेनी जाता है। पड़े। रिफंड किया जाता है तो वो आपका अगेंस्ट कंप्लेन अपना विड्रॉ कर ले, और फिर पुलिस के द्वारा आपको कि एक बैंक को मेल कर दिया जाए कि हमें कोई इशू नहीं है और बाकी का अमाउंट अनफ्रीज किया जाए, तो बात बन सकती है। सर अकाउंट हमें रिटर्न करना ही पड़ेगा सर। ऐसा कोई, देखो अगर कई बार होता क्या है कि अगर रिटर्न नहीं करना चाहोगे तो फिर आपको एक तरीके से अपना केस लड़ना पड़ेगा और फिर अपने आप को सही साबित करना पड़ेगा। आपका अमाउंट कितना है? अमाउंट तो मेरा टोटल 23,000 अकाउंट में था और प्लस 25,000
माइनस है, और मेरे मेरे थ्रू सर चार आप मेरे पांच को ना लोगों का व्हाट्सअप कर अकाउंट नहीं दीजिए चल जो रहा, भी डिटेल्स हैं, उन मैं देख लोगों लेता हूँ, फिर इसमें मैं सारा कुछ बता देता हूँ, क्या मेल करना है अपने बच्चों में, एविडेंस में क्या देना है, जिससे कल हो कि कोई FIR या पुलिस नोटिस या अरेस्ट का डर कम से कम ना रहे। और खाता खुलेगा, लेकिन ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है, तुरंत नहीं होगा।